शर्वरी देखो तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। बाकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं तभी तो हम लोग इतनी जल्दी इतने करीब आ गए। देखो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ रहूँ और तुम चाहती हो कि जितनी जल्दी हो मुझसे पिंड छूट जाए और तुम घर पहुँच जाओ। देखो चंदर, पिछले 3 दिन से करीबन हम लोग एक साथ कलकत्ता में थे। उसके बाद बालीगंज एयरपोर्ट आए, 2.5 घंटा हम लोग प्लेन में साथ में थे और पिछले 4 घंटे से हम लोग बॉम्बे में मटर गस्ती कर रहे। इतनी देर में तो तुम कोई बहुत अच्छी कहानी लिख सकते थे। हाँ, सारा दिन साथ रहो तो पूरा उपन्यास लिख डालो, रोमांटिक नॉवल। अच्छा ये बात है। ये बताओ कि अभी तक जो तुमने लिखा है वो किसके साथ घूम घूम के लिखा? दूसरों का अनुभव उधार लेकर लिखा है, अब अपना अनुभव काम में लाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बिना कत्ल किए आप कातिल के ऊपर कोई कहानी नहीं लिख सकते, यही ना? तुमसे बहस में जीतना बहुत मुश्किल है, तुम्हें लेक्चरर नहीं वकील होना चाहिए। मिस्टर चंद्रहास, अगर मैं वकील होती ना तो साहित्य में मेरी रुचि ना होती, ना मैं कलकत्ता किसी सेमिनार में जाती और ना वहाँ पर ना हमारी मुलाकात होती, ना हम साथ में सफर करते, ना हमारा संबंध बढ़ता और ना ये प्यार में तब्दील होता और ना ये नौबत आती कि हम दोनों इकट्ठा अपने भविष्य का सपना देखते। चंदर, मैं तुमसे मिलने से पहले भी तुम्हें एक उदीयमान लेखक के रूप में बहुत पसंद करती थी, शायद इसीलिए तुमसे मिलने की इच्छा इतनी प्रबल हुई और मिलने के बाद तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। थैंक यू। फिर तो कुछ देर और साथ रह लेंगे तो प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? अच्छा बाबा, चलो जहाँ चलना चलो, नहीं जाती घर, खुश? ये हुई ना बात, तो ऐसा करते हैं एक अच्छे से होटल में चलते हैं, रूम बुक करते हैं और जी भर कर बातें करेंगे। फिर? उससे पहले मैं एक बियर लूंगा, तुम ब्लडी मैरी ले लेना, फिर लंच लेंगे, उसके बाद रूम में जाएंगे, फिर अपनी शादी तय करेंगे कि तुम्हारे कितने गेस्ट होंगे, मेरे कितने गेस्ट होंगे, शादी कहाँ होगी, रिसेप्शन कहाँ होगा, तब तक शाम हो जाएगी, फिर चाय पी लेंगे, बस, उसके बाद बस 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 बस। ओहो, इससे भी आज ही मिलना था। कौन? है कॉलेज का एक पुराना दोस्त, देखो ना बाहर ही खड़ा है। तो क्या हुआ, चलो चल के मिल लेते हैं, उसमें हर्ज क्या है? नहीं नहीं आज नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं, तीसरा कोई नहीं। देखो जरूरी तो नहीं कि अगर कोई मिले हो तो हम उससे बातें करना चालू कर दें। अरे तुम्हें नहीं मालूम बड़ा चिपकू और बोर किस्म का है। तो उसमें सोचना क्या है, तुम चलो मुझे घर छोड़ दो और हम किसी और दिन मिल लेते हैं। फिर घर जाने की बात, देखो जो प्रोग्राम बनाया है वही करेंगे। तो मैंने कहा कुछ कहा, तुम ही यहाँ पे बैठे हुए हो, चलो चलो उठो उठो अंदर। रुको रुको ठहरो, हाँ मैंने हल ढूंढ लिया है। क्या? कहानी में थोड़ा ट्विस्ट देना पड़ेगा। मतलब? बताता हूँ, ये लो पेन तो तुम्हारे पास होगा ही। हाँ, पर अगर वो हजरत तुमसे टकरा जाए तो हाँ। तुम एक जर्नलिस्ट हो और मेरा इंटरव्यू लेने आई हो। आज दोपहर 12 बजे इसी होटल की लॉबी में मैंने तुम्हें मिलने का समय दिया है। फिर उसके बाद? उसके बाद थोड़ी देर बातें करेगा या साथ रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, और जब वो चला जाए तो हमारा नाटक खत्म। तो एक काम करो, तुम पहले चली जाओ, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? करोगी ना? ठीक है, पर तुम प्लीज जल्दी आना। हाँ, लेकिन तुम्हारी उस जर्नलिस्ट का नाम क्या? नाम उमा। हाँ, स्टार जर्नल, स्टार मैगजीन की रिपोर्टर। हाँ उमा। हाँ, प्लीज जल्दी आना। राजेश तुम एक काम करो, नरमन पॉइंट चले जाओ, वहाँ पे रेनेसा पब्लिशर्स है, वहाँ पर, वहाँ मैनेजर से मेरी बात हो गई है, कुछ पेपर्स हैं वो ले आना। आने जाने में 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो 5 बजे तक गाड़ी ले आना, ठीक है? जाओ। अरे चंदन। अरे शोभन, गुड टू सी यू मैन। सेम यार, इतने दिन बाद।
एक ही शहर में रहते हो, मुलाकात होती साल में एक बार, क्या करें। दिस इज नॉट गुड। अच्छा, नया उपन्यास कब आ रहा है? प्रेस में है, बाहर आएगा तो बताऊंगा। तुम यहाँ मिल जाओगे, मैंने सोचा ही नहीं था। पुराने दोस्त मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिजनेस के सिलसिले में आए हो? हाँ यार, किसी को टाइम दिया था, बोला था आ जाएगा, आ रहा होगा 12-12 बजे तक। अच्छा, और तुम यहाँ कैसे? वो स्टार मैगजीन वाले मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, सो जर्नलिस्ट को बुलाया है, शायद आई होगी। आई होगी मतलब कोई कन्या है? हाँ, मिस या मिसेज उमा। अच्छा अच्छा, तू जानता है उसे? नहीं, फोन पर बात हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक लड़की आकर बैठी हुई है चुपचाप, कहीं वही तो नहीं? पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। अरे मैं नहीं जानता, वो क्या मतलब यार, तुम ना लड़कियों के मामले में आज भी फिसड्डी ही हो। चलो पूछ लेते हैं, चलो। अबे चलो ना। एक्सक्यूज मी जी, आर यू वेटिंग फॉर समबडी? मेरा मतलब है, किसी का इंतजार कर रही हैं आप? हाँ, आप मिस्टर चंद्रहास हैं? नहीं जी, नहीं, ये मैं हूँ चंद्रहास। हाय, आई एम उमा, स्टार जर्नलिस्ट। हेलो जी, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अब ये मेरे दोस्त हैं, मिस्टर शोभन। हाय। ओह हाय। अब आप अगर रेडी हैं तो हम अपना काम शुरू करें। हाँ बिल्कुल, हम लोग इसीलिए तो आए हैं जी। तो ठीक है शोभन, फिर कभी मिलते हैं, कार्ड दे दो अपना। फिर कभी मिलते से क्या मतलब यार, मुझे तो यही इंतजार करना है इसी होटल में। मैं ऐसा करता हूँ, जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता मैं तुम्हारे इंटरव्यू में बैठता हूँ। क्यों, आपको तो कोई एतराज नहीं है इससे? अब्बा जी। नहीं है, आई नो आप कहने में झिझक रहे हैं, यू वॉन्ट मी टू बी हियर, सो बी कम्फर्टेबल। मैं इधर बैठ जाता हूँ, आप लोग भी बैठिए। हाँ प्लीज बैठिए। तो मैं इंटरव्यू लेते समय अगर टेप रिकॉर्डर का यूज़ करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? टेप रिकॉर्डर है तुम्हारे पास? हम पत्रकारों के पास हमेशा रहता है। ओह यस, आई फॉरगॉट। लेकिन टेप रिकॉर्डर रहने दीजिए, मैं खुलकर बात नहीं कर पाऊँगा, कुछ गलत या उल्टा सीधा बोल गया तो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर अपना दोस्त भी है, हर बात में टांग अड़ाने की आदत है इसकी। वेल ओके, ठीक है। लेकिन पॉसिबल है कि मैं कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चन आपसे करूं तो आप अपने दोस्त के सामने आंसर दे पाएंगे? हाँ, इसमें क्या है, मैं चोर स्मगलर थोड़ी ना हूँ। नहीं, चंदर, आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो ठीक कह रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वहाँ रिसेप्शन पे जाके टांगे अड़ाता हूँ। वैसे भी मुझे तो टाइम पास ही करना है, तुम लोग करो। सी यू। ओके बाय। यार तुम भी अजीब हो, मैंने तुम्हारे दोस्त को भगाने के लिए पर्सनल क्वेश्चन वाली बात की थी और तुम झट से बोल पड़े कि उसमें क्या हर्ज है। I'm very sorry. Okay. अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है कि आप इंटरव्यू बंद करो। मैंने शुरू कब किया जो बंद करने की बात कर रहे हो? शोभन हमसे दूर है, ठीक है, हमारी बातचीत नहीं सुन सकता है, सो हम अपनी बात करते हैं। तो हम आपसे अपनी तो बात कर रहे हैं। देखिए, आपसे मुखातिब है उमा, स्टार जर्नलिस्ट। प्लीज नाटक बंद करो, मैं रूम बुक करके आता हूं। अरे अरे करो क्या, जब तक तुम्हारा दोस्त हम लोग की नजर के सामने है मैं उमा हूँ, समझे? तो बताइए, आपने लिखना कब से और कैसे शुरू किया? बकवास बंद करोगी? अरे यही आना साला। हाँ तो मैंने लिखना स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दिया है। हाँ। ओके। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि कुछ भिजवा दूं आप लोगों के लिए, चाय कॉफी कुछ समथिंग? मेरे लिए कॉफी ले आओ बस। एंड यू मैम? अब भगवान के लिए कोई और सवाल मत पूछना। सर आपने मेरे भी पहले सवाल का ही जवाब नहीं दिया। हाँ, तो आपने बताया कि आप जब छोटे थे तभी से आपने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय तो आप बच्चों जैसा लिखते होंगे, आपने ऐसा कब फील किया कि आपकी लेखनी बड़ों जैसा लिखने लगी? शरबरी रहम करो, मैं इंटरव्यू के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, चलो रूम बुक करते हैं। अरे अरे चलो चलो चलो, नहीं नहीं चलो रुको तो। यार ये कौन सा इंटरव्यू है जो जगह बदल बदल के होता है? रखो यार, नहीं नहीं जाओ। देखो इस चिपकू को, इसने अपने लिए भी कॉफी मंगवा ली है, आज ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। कहा रूम बुक मत करो, ये रात में भी जाने वाला नहीं।
अरे कहाँ थे तुम लोग? अच्छा सुनो सुनो, नो मोर इंटरव्यूज, दिस इज कॉफी टाइम, सो जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी, ताजे हो जाओ, उसके बाद ताजे ताजे सवाल करना, क्यों? मैं बना दूं? मैं बनाती हूँ। अरे मैं अच्छी बनाता हूँ। अरे मैं बनाती हूँ। अच्छा बनाइए। जिसका इंतजार कर रहे थे उसका क्या हुआ? अरे यार वो पता नहीं कहाँ नदारद, मैं सच बता रहा हूँ मैंने इतना इंतजार किसी का नहीं किया, तुम नहीं होते ना मैं कब का चला गया होता। एनीवे यू कंटिन्यू विद योर इंटरव्यू, करिए। हाँ तो कॉफी ब्रेक मींस कॉफी ब्रेक, ठीक है चलिए, पहले हम कॉफी पीते हैं बाद में आगे बढ़ते हैं, क्यों शोभन जी? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी इंटरव्यू तो खत्म करना ही है, मेरे दोस्त के पास बहुत कुछ बताने को है और आपके पास बहुत कुछ पूछने को है, क्यों नहीं? लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग बाकी बातें लंच पर करें, हमारी वजह से शोभन डिस्टर्ब हो रहे होंगे, सो हम लोग चलते हैं लंच के लिए, वो भी अपनी चिंता खत्म करके वहीं आ जाएंगे। नहीं नहीं कोई चिंता नहीं है, बल्कि तुम लोगों का लंच मेरी तरफ से, चलो मैं भी चलता हूँ। लेकिन आप तो किसी का वेट कर रहे थे ना? अरे कर तो रहा था, मैं ऐसा करता हूँ मैं रिसेप्शन पे कह देता हूँ, वो बता देंगे हम रेस्टोरेंट में हैं, वो आ जाएगा। नहीं शोभन, बिजनेस की बात है, किसी वजह से तुम्हारे आदमी को सही खबर नहीं मिली तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, लंच के लिए हम लोग बाद में जाएंगे। या नहीं भेजाएंगे, अभी तो कॉफी पी रहे हैं, क्यों चंद्रहास जी? जी हाँ बहुत बेहतर, हम लोग यहीं वेट करें, तुम्हारी मीटिंग भी मिस नहीं होगी। मुझे भी यही ठीक लग रहा है, लेकिन एक बात पूछूं मैं, अगर आप लोगों के ये पर्सनल क्वेश्चंस खत्म हो गए हों तो मैं यहीं बैठूं आप लोगों के साथ, मैं वहाँ बोर हो गया हूँ अकेले, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, और वैसे भी मुझे तो ये एहसास हुआ है कि चंद्रहास जी का जीवन एकदम खुली किताब है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। क्यों चंद्रहास जी? जी हाँ ये तो मुझसे बेहतर आप जानती हैं, और खुली किताब तो कोई भी पढ़ सकता है, शोभन भी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं प्लीज चंद्र, देखो तुम्हारी जिंदगी की किताब पढ़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो सब मैं जानता हूँ। हाँ मेरी गैर हाजिरी में अगर कोई नया चैप्टर जुड़ गया हो तो वो जरूर पढ़ना चाहूंगा, जुड़ा है क्या? शोभन जी कई बार पढ़कर भी सब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वो सही हो। देखिए भाई बार बार आप मुझे शोभन जी ना कहिए, शोभन कहिए ना, सिर्फ शोभन। साला चिपको चिपकने लगा। वैसे वो आपने बात एकदम सही फरमाई, जो दिखता है वो होता नहीं है, मेरे बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। शोभन ये मेरा इंटरव्यू है तुम्हारा नहीं। मैडम आपके सवाल खत्म होंगे कि नहीं? देखिए सर आप इतने ग्रेट राइटर हैं, आपका इंटरव्यू ये दो तीन सवालों में कैसे सिमट सकता है? बिल्कुल और क्या, तो जल्दी पूछिए और छुट्टी करिए, मुझे कहीं और भी जाना है। आई नो आपको इंटरव्यू खत्म करने की बहुत जल्दी है, देखिए देखिए मुझे पता है आपको अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी पूरा टाइम दूंगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके उपन्यास में निजी जिंदगी कितनी प्रतिबिंबित है? अरे वो सवाल का जवाब तो मैं खुद दे सकता हूँ, क्यों मैं दूं? तुम चुप रहो शोभन, ये मेरा इंटरव्यू है। हाँ तो देखिए कोई भी रचनाकार अपनी जिंदगी से परे नहीं होता, वो ज्यादातर अपने परिवेश की बातें लिखता है, अपने अनुभवों को अपनी रचना में साकार करता है। कहते हैं अनुभव इंसान को मैच्योर बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं, तो सर आपकी लाइफ के ऐसे कौन से अनुभव हैं जिसने आपकी लेखनी में इतनी जान डाल दी? क्या जानना चाहती हैं आप, मेरे जीवन का अतीत? हाँ सर मैं अपने लिए नहीं आर्टिकल की बात कर रही हूँ, और वैसे भी आप जानते हैं कि हमारी मैगजीन में रचनाकारों के रचनात्मक पक्ष से ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। Excuse me, मैं आता हूँ। प्लीज अब बस भी करो, देखो इंटरव्यू के जरिए तुम मुझसे जो कुछ जानना चाहती हो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके? अरे कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को नाटे, ये नाटक करने का आइडिया तुम्हारा ही तो था, जो तुमने मुझे भूमिका दी मैं वो निभा रही हूँ, अजीब बात है। और वैसे भी तुम्हारा दोस्त तो मुझे एज ए उमा जानता है, तो मुझे तो उमा ही बन के रहना पड़ेगा। क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया, इस साले शोभन को भी आज ही शोभायमान होना था। उसको क्यों दोष दे रहे हो, तुम अपनी मीटिंग के लिए परेशान हो, वो अपनी मीटिंग के लिए, वो देखो। हो
ऑफिस से तो कब की निकल गई, फिर गई कहाँ? ये मोबाइल भी नहीं मिल रहा है। और इनका इंटरव्यू है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कहाँ फंस गए शोभन बाबू? लगता है शोभन की बात हो गई, वो आदमी आ ही रहा होगा इसीलिए वहीं खड़ा है। खड़े रहने से क्या होता है, जब तक वो जाएगा नहीं ना हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ फंस गए, लगता है उसकी मीटिंग तो हो जाएगी लेकिन अपनी मीटिंग खटाई में पड़ जाएगी। अच्छा चंदर, तुम क्या अपने दोस्त को सच्चाई बताने से डरते हो? अरे उसको बता दो ना कि मैं तुम्हारी कौन हूँ और हम यहाँ क्यों आए। मुझे यही करना था। क्या है चंदर, तुम प्यार तो कर सकते हो पर दुनिया के सामने स्वीकार करने से डरते हो। शायद तुम्हारे जैसे महान लेखक की मान मर्यादा आड़े आ जाती हो। तुम गलत सोच रही हो शर्बरी, ये तुम्हारा भरम है। मुझे क्या मालूम था कि जिस परिस्थिति से हम लोग निकलना चाह रहे थे उसमें इस कदर उलझ कर रह जाएंगे। उलझन तुम्हें हो रही है, मुझे नहीं। हम अभी नहीं निकल सकते यहाँ से। नहीं, क्योंकि फिर शोभन नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। देखो जब तक वो चला नहीं जाता तुम जर्नलिस्ट बनी रहो। तुम भूल रहे हो तुम्हारे दोस्त ने हम लोग को लंच पर इनवाइट किया। उफ यार, कि मैंने लंच की बात बोली ही क्यों। कोई बात नहीं, बोल दूंगा कि हमारा इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ है तो वो लंच ले ले या कोई काम हो तो चला जाए। हाँ, वो मिलते नहीं, कहीं नहीं गया हूं मैं, वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो तो भला हो एक कॉलेज का दोस्त मिल गया। नहीं, वो बहुत बड़ा एक राइटर बन गया है भाई, एक जर्नलिस्ट है कोई उमा नाम की, वो उसका इंटरव्यू कर रही। तुम जानती हो उमा? अच्छा, ये तो अच्छा हुआ। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम जल्दी से आ जाओ तो तुम्हारी भी मुलाकात हो जाएगी। हैं? हाँ लेकिन यार अब जल्दी आ जाओ, बहुत बोर हो गया हूँ मैं बैठे बैठे। हाँ हाँ, मैं उसे रोक के रखूँगा। ओके, पर जल्दी आओ। या बाय। लो मुसीबत फिर इधर आ रही है। क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त आ रहा है या नहीं? आ तो रहा है यार। चंदर, मुझे तुमसे एक सलाह लेनी है यार। उमा जी प्लीज एक्सक्यूज अस। हैं? ओह श्योर। एक मिनट। सॉरी। सुनो। हाँ। यार अब तुमसे क्या छुपाना, वो दरअसल मेरे जो दोस्त है ना, हाँ, वो एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह अच्छा। और मालूम है मजे की बात क्या है, वो भी एक पत्रकार है और उमा जी को बहुत अच्छी तरह जानती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सच कह रहे हैं। और वो कह रही थी कि उमा जी को रोक के रखो, वो मिलना चाहती है। अरे नहीं, लेकिन हमारा इंटरव्यू खत्म हो गया है। ओहो, तो उसमें क्या हो गया? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उमा जी। अरे यार, अरे मरे मत करो, हटो। अच्छा उमा जी, एक बात है कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, वो तो सही है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वेरी ट्रू। बात क्या है? देखिए ना, मैं बताता हूँ आपको। जब मैं यहाँ आया था तो मैं ये सोच रहा था कि देखो चंदर से इतने दिनों बाद मिला हूँ ना, उसके साथ चैन से बैठ सका ना, बातें कर सका, बस तब से इंतजार इंतजार इंतजार। लेकिन आप मालूम है मजे की बात क्या निकली? जी क्या? जो मेरा दोस्त आ रहा है ना, हाँ? वो आपको जानता है। जी, वो मुझे मुझे कैसे जानते हैं? अब ये तो आप उनसे मिलकर पता कर लीजिएगा। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू अभी और कितनी देर चलेगा? जी वो खत्म बस खत्म समझिए। उमा जी उमा जी उमा जी उमा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, थोड़ा लंबा खींचिए और जारी रखिए उसको। है 2000 सवाल इनसे पूछिए, तब तक आपका वक्त गुजर जाएगा और मेरा दोस्त आ जाएगा। लेकिन एक बात ये बताइए, वो आपके जो दोस्त हैं वो मुझे जानते हैं या पहचानते भी हैं? अब भाई कह तो यही रहा था कि वो जानता है। अब मतलब हुआ कि पहचानता है। पर वो मुझे कैसे पहचानते हैं? वो भी पत्रकार है ना, इसलिए। अगर आप उनके आने तक रुक जाइए तो उनको आपसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। प्लीज। पत्रकार है जी। अरे वाह, तब तो वो मेरी बिरादरी के ही निकले। अब तब तो फिर जरूर जानते होंगे। आप एक काम करिए, आप चंद्रहास जी को उनसे मिलवा दीजिए, लगे हाथ इनका एक इंटरव्यू और हो जाएगा। अरे नहीं 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 भाई, चंद्रहास का एक इंटरव्यू और नहीं। इसी इंटरव्यू को लेकर मुझे आपसे एक शिकायत है। जी मुझसे? जी। अब देखिए ना, ये जो मेरा दोस्त है चंद्रहास, जब ये होटल में दाखिल हुआ था कितना खिला खिला सा चेहरा था इसका, देखिए ना। और अब कितना मुरझा गया है बेचारा, लगता है आपने इनकी दिमागी कसरत बहुत करा दी है।
आया था बेचारा चंद्रहास बन के, चंद्र ग्रहण बन गया। देखिए शक्ल देखिए। अरे नहीं शोभन जी, दिमागी कसरत तो मेरी हो गई। आपको पता है कलम के साथ साथ इनका दिमाग भी बहुत पहना है। थैंक यू, लेकिन अब मेरी तारीफ छोड़िए और इंटरव्यू खत्म हो गया, इसलिए इसलिए मैं निकलती हूँ, आप बैठिए। क्यों जी? देखिए मुझे आज ही एक इंटरव्यू लेना है ताज में, प्लीज मुझे निकलने दीजिए। हाँ उमा जी प्लीज, मेरे दोस्त को आ जाने दीजिए। अब नहीं, मैं बाद में कभी मिल लूंगी, प्लीज आप मुझे निकलने दीजिए। हाँ चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरा बैग दीजिए। ये लीजिए। चंद्र क्या कर रहे हो यार, कम से कम पूर्णिमा को तो आ जाने दो। अरे भाई कौन पूर्णिमा? ओ सॉरी उमा जी, मैंने आपको बताया नहीं, एक्चुअली जो मेरा दोस्त है उसका नाम पूर्णिमा, वो एक्सप्रेस टाइम्स में थी। नहीं थी, अब तो एशियन जर्नल में है। अच्छा। तो उमा जी अब तो आप जान गई ना कि आप मेरे दोस्त को जानती भी हैं और पहचानती भी हैं। पूर्णिमा जी, अरे मैं तो उनको जानती भी हूँ पहचानती भी हूँ। शोभन जी आप भी, आपने तो इतना सस्पेंस क्रिएट करके रखा, मैं तो समझ ही नहीं पाई। अब तो सब कुछ समझ गई ना, तो क्या करना चाहिए ये सोचिए। क्या कर रहे हो चंद्र यार, कम से कम। शोभन जी देखिए प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे भी निकलना है। आप पूर्णिमा जी को ना मेरी तरफ से हाय बोल दीजिएगा, ठीक है? हाँ चलिए, आपको देर हो रही है। चंद्र प्लीज, नहीं प्लीज प्लीज, 5 मिनट में आ जाएगी वो हार्डली। अरे चंद्र, जब भी चलो आफत किसी भी समय टपक सकती है। चंद्र उमा जी, चंदर यार सुन तो, इधर रूम बुकिंग के मेरे 3,000 गए, उसका कुछ नहीं। अरे तो कला के वापस ले लेना या फिर बाद में काम में लगा लेंगे। हाँ अरे कार को तो छोड़ दिया, 5 बजे आएगा। अरे तो चलो ना, टैक्सी पकड़ लेंगे, चलो। अरे बाप रे, क्या हुआ? लगता है पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा को पहचानती हो? अरे ना, मैं पूर्णिमा को जानती हूँ ना उमा को जानती हूँ। तो फिर मुँह क्यों ढका? अरे जाते जाते शोभन कहेगा अभी भी उमा गई है, बाहर ही मिली होगी। मुँह ना ढकती तो कहती ना कि कोई उमा नहीं गई,